हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूँगी कि हम धनिया को कैसे पीसें। आप बाज़ार का जो लाते हैं हम पिसा हुआ, उसमें और घर में जो हम पीस करके रखते हैं उस धनिया में बहुत अंतर होता है। तो मैं किस तरह से करती हूँ आपको बताऊँगी। ये मैंने धनिया लेकर के रखा है और इसको सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में डाल करके और गैस जला करके इसको हल्का सा 2 मिनट इसको जो है वो भून लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी नमी जो होगी या इसके अंदर जो सीलन है, यानी क्योंकि मौसम ऐसा है तो उसमें इसको थोड़ा सा हमें या तो धूप में रख लीजिए आप, या इसको हल्का सा बिना कलर चेंज हुए इसको 1.5 या 2 मिनट के करीब हिलाते हुए भून इस तरह से रोस्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया है, अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसकी आवाज़ बिल्कुल सूख गया है, ये बिल्कुल ड्राई होने की आवाज़ आ रही है। और अब हम इसे अपने ग्राइंडर में भर के और पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये 2 मिनट तक मैंने पीसा, अब इसको आप छलनी में डाल करके जैसा बारीक चाहिए तो बारीक इसको छान लेंगे, और छानने पर जो मोटा मोटा बचता है उसको फिर से हम ग्राइंडर में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमने कर लिया। अगर आपको और बारीक चाहिए तो आप इसको और ग्राइंड कर सकते हैं। इसको ग्राइंडर में हम डाल करके फिर से पीस लेंगे और इसके साथ थोड़ा दूसरा भी मिक्स कर लेंगे। इसको भी छान लेते हैं। ये फ्रेंड्स, इतना सा बचा है, या तो आप इसको फिर से पीस लीजिए या चटनी वगैरह में डाल लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, इस पिसे हुए धनिए को आप अगर ज़्यादा मात्रा में आप पीस करके रखती हैं तो और उसको साल भर के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो फ्रेंड्स, उसमें आप जो है वो सेंधा नमक थोड़ा मिला करके रख दीजिएगा, और ताकि आप उसको व्रत में भी काम ले सकें। और इसको एयर टाइट डब्बे में रखिए, और पहले इसको, क्योंकि ये भी पिसा है तो थोड़ा हल्का गर्म है, आप इसको ठंडा होने दीजिए। फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सेंधा, थोड़े से मतलब यदि जितना मेरे पास ये है पाव भर था, तो पाव भर में आप 1 चम्मच के करीब मिलाइएगा, और ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप अपनी उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाइएगा नमक की। और उसके बाद उसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, आप घर में ही बहुत अच्छा खुशबू वाला और आप जो है घर में तैयार कर सकती हैं। यदि आपको ये मेथड ठीक लगे तो आप इसको घर में अपनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।